इस डायनासोर के साथ फोटो लेते हैं। तुम दोनों को देखकर लगता है कि डायनासोर तुम्हें खाने ही वाला है। नहीं, वो हमें नहीं खा सकता क्योंकि वो वेजिटेरियन है। इस बार तो बाल बाल बचे। लगता है तूफान आने वाला है। इन स्क्रीन्स पर देखो जरा, यहाँ से पूरा मॉल दिखाई दे रहा है। ये वही डायनासोर है जिसे हमने देखा था। इसका मतलब हम यहाँ हैं। और वहाँ देखो, आइसक्रीम काउंटर। हम इमरजेंसी पावर पर स्विच कर रहे हैं। पावर कट की वजह से सभी ग्राहकों से अनुरोध है कि वो जल्दी से बाहर निकल जाएं। चलो दोस्तों, चलते हैं, जल्दी चलो। दरवाजा तो बंद है, हमें इस दरवाजे को खोलने के लिए सीक्रेट कोड डालना होगा। अंदर तो नेटवर्क भी नहीं है और लाइन भी कट चुकी है। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? ऐसी मुसीबत से नानो बचाता है। हेलो नानो, क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? मैं कोशिश करूंगा। लॉक को एनालाइज कर लिया है। तकरीबन 40 करोड़ पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसमें वक्त लगेगा। अब भी नेटवर्क नहीं है। नानो, क्या तुम्हें कोड मिला? मैं थक चुका हूँ, मेरी बैटरी खत्म होने वाली है। मैं 32 करोड़ 49 लाख कॉम्बिनेशन ट्राई कर चुका हूँ लेकिन अभी तक मुझे सही कोड नहीं मिला है। लेकिन अभी भी मेरी कोशिश पूरी तरह जारी है। बहुत अच्छे नानो, शाबाश। चलो तुम आराम करो, ठीक है? हेलो, कोई है यहाँ? कोई है? हेलो। हेलो पापा, क्या तुम लोग सब ठीक हो? हाँ, हम ठीक है, पर एक मॉल में फंसे हैं। मॉल में फंसे हो? हाँ। तुम लोग फिक्र मत करो। हाँ, समझ गया पापा। मैं सिक्योरिटी को लेकर अभी आया। आप जल्दी आइए, मेरे पापा आकर हमें ले जाएंगे। तब तक हमें मॉल में ही रुकना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। हम इतने बड़े मॉल में अकेले हैं, थोड़ी देर इस मॉल में घूमते हैं, बहुत मजा आएगा। चलो। यकीन नहीं होता, तुम फिश टैंक में तैर रहे थे। तुम्हारी शक्ल देखनी चाहिए थी जब वो शार्क आ गया था। शार्क? बिल्कुल ऐसी ही शक्ल हो गई थी तुम्हारी। वाह, चलो रेस लगाते हैं।
बचे? कहा था ना घबराओ मत, मैंने फासला नाप लिया था। पर कैसे? फिजिक्स की मदद से मैंने रफ्तार और फासला नाप लिया था, तो मुझे पता चल गया था मुझे कहाँ रोकना है। फिजिक्स भी डरावना है। हम तो बाल बाल बचे। ओ नहीं, उफ, अब हम क्या करेंगे? हेलो पापा। तुम सब ठीक हो? हाँ हम सब ठीक है, पर आप कहाँ हो पापा? 20 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ ओके ओके, ठीक है, बाय बाय। मेरे पापा 20 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या 20 मिनट में इतनी जल्दी? हमारे पास इस डायनासोर को पहले की तरह रखने के लिए वक्त ही नहीं है। घबराओ मत सालिम, ये गलती मेरी है और मैं अपनी गलती की जिम्मेदारी लूंगा। कोई बात नहीं दोस्तों, जल्दी से ये गाड़ियाँ रख कर वापस आते हैं और रोबेट की मदद करते हैं। चलो ओबेद के पास जल्दी चलते हैं। हाँ कहाँ तक पहुँचे ओबेद? घबराओ मत, और ये हो गया। हाँ कैसा लग रहा है? नहीं 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 ओबेद, ये उसकी तरह लग ही नहीं रहा है। ओ चुप करो, हमारे पास 10 मिनट है, हमें जल्दी करना होगा। अकेले नहीं संभाल सकते, हमें एक साथ काम करना होगा। जल्दी करो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। तुम दोनों इसकी टांगे ढूंढो, और तुम इसकी गर्दन ढूंढो, और तुम पूछ, मैं शरीर ढूंढता हूँ। इसका सर कहाँ गया? सालेम, ये तो तुम्हारा काम था ना? मैं कर ही तो रहा हूँ तुर्की। हेलो पापा, मैं पार्किंग लॉट में हूँ। पार्किंग लॉट में है? बस एक मिनट में। ओके, तो एक मिनट में आ जाएंगे। हाँ बेटा। क्या बिजली भी लौट आएगी? हाँ हाँ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तुम लोग वहीं रुको। हाँ हम यहीं रुके हैं। बाय बाय। हमारे पास सिर्फ 60 सेकंड है, फिर सारे सीसीटीवी कैमरास चालू हो जाएंगे। उसके चालू होने से पहले हमें जोड़ना होगा। ओह, पर वहाँ कैसे पहुँचेंगे? मंसूर, क्या नैनो ऊपर उड़कर मुंडी नहीं जोड़ पाएगा? नहीं, इसकी बैटरीज खत्म हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? मंसूर, कहाँ हो तुम लोग? तुम लोग ठीक तो हो? हम ठीक है। हमें माफ कर देना, हमने सोचा सभी लोग जा चुके होंगे। बच्चों तुम बोर तो नहीं हुए ना? तुम सबने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हाँ? क्या ये मेरी गलती नहीं है? मंसूर! मंसूर! मंसूर!
आखिरकार आइलैंड्स को देखो। वाव, क्या बात है। यकीन नहीं होता मैं पैसिफिक ओशन के बीचों बीच हूँ। कुछ घंटे बाद दोबारा बीच पर मिलेंगे, खूब मजे करना बच्चों, पर अपना ध्यान रखना। कितने कमाल की सबमरीन है। क्या हम इसमें बैठ सकते हैं? कितना मजा आएगा ना। हमें उसमें कभी जाने नहीं मिलेगा। हेलो बच्चों। हेलो सर, कैसे हैं आप? आपकी सबमरीन अच्छी है। शुक्रिया। इससे आप क्या करने वाले थे? हम मारियाना ट्रेंच में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बता दूं कि समुंदर का सबसे गहरा अनदेखा हिस्सा है। मुझे उम्मीद है वहाँ कुछ ऐसा मिलेगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। क्या आप इसका दिमाग ढूंढने वाले हैं? बेकार जोक था। आपको क्या मिलेगा वहाँ? अभी तक तो मैं भी नहीं जानता। समुंदर का बहुत बड़ा हिस्सा अब भी अनदेखा ही है, तो उसकी गहराइयों में बहुत से अनजान जीव हो सकते हैं। समंदर की गहराई में अजीब राज छुपे हैं, बड़े और डरावने राज हैं, ऐसी चीजें जिनके मिलने पर तुम्हें अफसोस होगा। मुझे बहुत से काम करने हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे। चलो चलकर बाकी का आइलैंड देखते हैं। मेरा नया इन्वेंशन है। ये क्या है? ये होलोग्राफिक प्रोजेक्टर है। देखो, तुम किसी पर भी चला सकते हो। पहले इसका बटन दबाओ और कोई भी इमेज कैप्चर करो, फिर उसे प्रोजेक्ट कर सकते हो। ओ बेचारा छोटा सा बच्चा, तुम्हें भूख लगी है? तुम ये खाओगे? ओए, इसे मैं अच्छा लगा। शायद तुमसे केले की खुशबू आ रही होगी। ओए। मंकी, हमारे पास आ जाओ। ओ? इधर आओ छोटू उस्ताद। ऑटोमेटेड डाइव शुरू हो चुकी है। नहीं 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 नहीं, ये बहुत बुरा है। उसका बस खाके हो ही गया है। उबेद, इस वक्त इससे भी ज्यादा बड़ी मुसीबत है। हाँ, जैसे कि ये मुसीबत जो तुमने खड़ी की है। डाइव शुरू हो चुकी है। समंदर की गहराई तक का फासला है करीब 6 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, अब सफर का मजा लेते हैं, और कुछ कर भी नहीं सकते। उफ। हेलो बच्चों, मुझे सुन सकते हो? तुम ठीक तो हो? हम सुन सकते हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम अंदर क्यों गए थे? पापा, हम उबेद के दोस्त के पीछे यहाँ तक पहुँच गए और उबेद ने गलती से बटन दबा दिया। वो कौन दोस्त था? ये क्या, मेरी सबमरीन में एक बंदर है। घबराओ मत बच्चों, तुम सब काफी सुरक्षित रहोगे अगर तुम किसी चीज को हाथ ना लगाओ तो। ये सबमरीन तय किए हुए रूट पर समुंदर की गहराइयों में जाने वाली है। वाह, देखो,
अजीब सी चीजें हैं। यहाँ भी कुछ कम अजीब चीजें नहीं है, देखो इसे मंसूर, ये मोंका है, आधा मंकी आधा लड़का। अब तुम सब मरियाना ट्रेंच पहुँच चुके हो, आज तक कोई भी इंसान इतनी गहराई क्या कोई बंदर आया है इतनी गहराई में? अरे नहीं 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 नहीं, ना ही लड़का ना ही बंदर ना ही इंसान कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँचे है। हमारे स्कैनर्स यहाँ बड़े बड़े जीवों को ट्रेस कर पा रहे हैं। केकड़ा तो हाथी से भी बड़ा है। ये तो 10 हाथियों से भी बड़ा है। हाँ, इससे हम सैलेड बनाकर खा सकते हैं। खूब सारा। ऐसे मुझे क्या देख रहे हो? आप किसी ने आज तक इस जीव को नहीं देखा है। देखो तो वो कितना बड़ा है। हमने बहुत ही बेहतरीन खोज की है, ये तो शानदार है। ये हमें अजीब तरह से देख रहा है। हाँ, ये हमें ऐसे देख रहा है जैसे उबेद आइसक्रीम को देखता है। लगता है हम उसका खाना है। घबराओ मत बच्चों, पर ये अच्छा नहीं है। तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। माफ करना, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सबमरीन तय किए हुए रूट पर है, इसे रोका नहीं जा सकता है। हाँ? हमारी तरफ आ रहा है और हम अब भी उसकी तरफ जा रहे हैं। हमें यहाँ से निकालिए। मैं क्या कर सकता हूँ? सोचो मंसूर, सोचो। खैर, मुझे लगता है हमें आखिरी बार खाना खा लेना चाहिए। नानो, क्या तुम सिस्टम ओवरराइड कर सकते हो और कंट्रोल्स दे सकते हो? कोशिश करता हूँ। जल्दी करो नानो। कोशिश करते रहो, अगर तुमने जल्दी नहीं की तो शायद हम केकड़े का खाना बन जाएंगे। जल्दी करो नानो। सिस्टम ओवरराइड कंप्लीट। ऑटोमेटेड। शाबाश नानो, शाबाश। अब मैं इसे यहाँ से निकाल सकता हूँ। क्या ये और तेज नहीं जा सकता है? मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या करने वाले हैं? आइडिया, हम उसे और बड़ी चीज दिखाकर डरा सकते हैं। हाँ? देखते हैं इस केकड़े को किंग कॉन्ग कैसा लगता है। ओ, काम नहीं बना, हम तो गए। दोस्तों, ये केकड़ा बंदर से भी नहीं डर रहा है, अब हम क्या करेंगे? इसे तो डर ही जाएगा। किससे? इससे। वाह, मैंने आज तक इससे ज्यादा डरावनी चीज कभी नहीं देखी। हमने कर दिया। हाँ, सालिम के डरावने चेहरे की वजह से इतना बड़ा केकड़ा जो डर गया, अब हम घर जाएंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो अब क्या हम उसकी लौटने से पहले वापस जा सकते हैं? हाँ, अच्छा आइडिया है, चलो घर चले। तुम सुरक्षित वापस आ गए बच्चों। हाँ, और शाबाश बच्चों, मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम लोगों ने एक बड़े से केकड़े की खोज की, इसलिए इसका नाम होगा द जायंट मंसूर केकड़ा। तुम्हारा नाम केकड़े को दिया गया? मेरा नाम है मंसूर, मेरा नाम है मंसूर। मैं किसी से नहीं डरता सिवाय सालिम के बड़े डरावने चेहरे से। Thank you.
और अब सारे खिलाड़ी आखिरी लैब की ओर बढ़ते हुए। वो दोनों भी आगे आ रहे हैं। मुझे छोड़ो, तुम आगे जाओ। मामला बहुत करीबी है, देखते हैं कौन आएगा नंबर वन। और विनर है मंसूर। चलो सालम, तुम कर सकते हो। उससे आगे जाओ बेवकूफो। चलो सालम, ध्यान रहे वो लास्ट आना चाहिए। मुकाबला आखिरी तीन रनर्स के बीच, देखते हैं कौन हारेगा कौन जीतेगा। और इस रेस में सबसे आखिर में आए सालम। मुबारक हो। मेरे ख्याल से तुम्हें आखिर में आने की आदत डाल ही लेनी चाहिए सालम। बाय बाय। तुम टेंशन मत लो, अगले हफ्ते एक और रेस है, मुझे भरोसा है तुम उसमें बेटर परफॉर्म करोगे। हाँ, देखते हैं। सुनो बच्चे, तुम्हें ये जूते चाहिए? मुझे इन्हें देखना भी नहीं चाहिए। ये खास जूते हैं, इनसे तुम्हारी रफ्तार तेज हो जाएगी। नहीं शुक्रिया। इनसे तुम जिस रेस में जाओगे जीत जाओगे। हाँ कैसे? ये देखो। कोई बात नहीं, नहीं चाहिए तो। रुकिए रुकिए, मुझे चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं तुम क्या कमाल कर सकते हो। मैं रुक नहीं पा रहा, बचाओ मुझे। क्या बात है, मुझे इन्हें मंसूर को दिखाना ही होगा। ये तुम्हें किसने दिए? मैं बाद में बताता हूँ। ये बहुत ज्यादा तेज है, पर इन्हें संभालना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दिखाना जरा। चलो आगे बढ़ो। बचाओ, कोई तो बचाओ। पकड़ो इसे। माफ करना। भाई वाह, ये जूते तो बड़े फास्ट हैं। सालम, तुम जानते हो तुम इसे कैसे संभाल पाओगे? कैसे? प्रैक्टिस से। और मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवाने का एक सेफ तरीका जानता हूँ। हे सालम, ठीक है? मुझे लगता है अब ये मेरे काबू में है। देखो, तुमने कर दिखाया, तुमने इन जूतों पे काबू पा लिया। तुम इन्हें पहन कर एक बार भाग के देखोगे सालम? हाँ जरूर। चलो कुछ नहीं हुआ। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं ले आता हूँ।
ये लीजिए। शुक्रिया। आराम से बैठो। अरे कोई बस रोको। चलिए बस पकड़ लीजिए। आपका दिन अच्छा रहे। आप ये भूल गए। तुम्हारा शुक्रिया। नहीं। ओए सालिम, तुम्हारा दिन कैसा था? लाजवाब, मैं सारा दिन इन जूतों से लोगों की मदद कर रहा था, पर अब ये खराब हो गए हैं, इन्हें ठीक कर दो मंसूर। ताकि तुम लोगों की मदद करते रहो? नहीं, ताकि मैं तारिक को अगली रेस में हरा सकूं। ठीक है सालम, मैं इसे रेस के पहले ठीक कर दूंगा। स्वागत है आप सभी का, अगली रेस बस कुछ ही पलों में शुरू होगी, क्या आप तैयार हैं? कहाँ रह गए, कहाँ रह गए ये दोनों? सालम, सालम, हे, हे। मंसूर, मेरे जूते। ये लो, मैंने इन्हें पूरी तरह रेडी कर दिया है। शुक्रिया मंसूर। तो क्या तुम फिर से रेस हारने के लिए तैयार हो सालिम? ऐसा नहीं होगा, मेरे पास ये है। ओह, मेरे पास भी है। हाँ, तुम्हें ये कहाँ से मिले? ओके पार्टिसिपेंट्स, अपनी पोजीशंस ले लें। हारने के लिए तैयार हो जाओ फिर से सालिम। अरे मैच, गेट सेट एंड गो। ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ मुझे। तारिक का भागने का अंदाज अलग, लेकिन वो गलत दिशा में जा रहे हैं, साथ में जमाल और जमील भी है। मंसूर लीड ले चुके हैं, पर सालिम दूसरी तरफ से आगे बढ़ते हुए, और ये सालिम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, लेकिन क्या वो मंसूर से आगे निकल पाएंगे? मुकाबला टक्कर का है, सालिम लीड ले चुके हैं, क्या बात है, सालिम सबसे आगे है और सालिम रेस जीत गए। मैं जीत गया, मैं सच में जीत गया। बहुत अच्छे सालिम। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने खास जूतों की मदद से हराया, हालांकि वो पहले जितने तेज नहीं थे। वो इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल जूते हैं। हाँ? मैंने सिर्फ गैजेट्स निकाल दिए क्योंकि वो चीटिंग होता। तुम्हारा मतलब है? हाँ, ये रेस तुम अपने आप जीते हो। हाँ? Mansoor!
हेलो। अरे नहीं, मैं मंसूर को इसी वक्त भेज रही हूँ। जी हाँ, बाय। ओबेद की मम्मी का फोन था। ओबेद नींद में चलने लगा और घर से बाहर चला गया। तुम्हें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए बेटा। हाँ, हाँ। सालम, एक इमरजेंसी है, तुम्हारी और तुर्की की मदद चाहिए। ओबेद नींद में चल रहा है, इसका मतलब वो बाहर घूम रहा है पर सोते सोते। हाँ, हमें इसी वक्त उसके पेरेंट्स की मदद करनी होगी। वो तो कहीं भी हो सकता है, इतने बड़े शहर में उसे ढूंढेंगे कैसे। सही कह रहे हो, पर मैं जानता हूँ वो कहाँ होगा। कहाँ? देखो। वो ज़ॉम्बी जैसा लग रहा है। हेलो आंटी मंसूर, आंटी ओबेद मिल गया। ओ शुक्र है बच्चों, सच में। बस अब उसे जल्दी से घर ले आओ। हम उसे घर ले आएंगे, सालिम उसे उठाने वाला ही है आंटी। नहीं नहीं, सोते हुए नींद में चलने वाले को जगाना अच्छा नहीं, उससे उन्हें सदमा लग सकता है। अरे बाप रे, थोड़ी देर और हो जाती तो उबेद को उठा ही देता। कोशिश करो उसे बिना जगाए घर तक ले आओ। ठीक है आंटी, जल्दी मिलता है, बाय बाय। ये तो आसान है, आखिर क्या गड़बड़ हो सकती है। नहीं। चलो, हमें लाइट को ग्रीन करना ही होगा। जल्दी जल्दी। बदलो 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 बदलो, जल्दी बदलो। लाइट्स को जल्दी बदलना होगा, जल्दी करो। सालम, हमें इसे पकड़ना ही होगा। देखो अब भी मौका है। आज तो बच गए दोस्तों। ओ नहीं। वो गार्ड उसे जगा देगा। तुम उसे म्यूजिक क्यों सुनाना चाहते हो? ये नॉइस कैंसिल करने वाले हेडफोन्स हैं। ओ अच्छा। रुक जाओ। हेलो मंसूर, ओबेद ठीक तो है ना? हाँ ओबेद ठीक है, घबराइए मत। बताओ क्या हुआ? हाँ हाँ कुछ नहीं, हम उसे ला रहे हैं। अब बाय आंटी। ओ नहीं, वो अंदर चला गया। उसे यहाँ से निकालना होगा, यहाँ की सारी चीजें कीमती है, वो मुसीबत में पड़ सकता है। पकड़ लिया। चलो। कोई नींद में इतना ज्यादा कैसे चल सकता है? ओ, नहीं नहीं नहीं, चलो जल्दी से चलो। तुर्की जल्दी घुमाओ। उसे जल्दी जागना चाहिए। वो तो होने से रहा।
वहीं रुको। रुके रहना। हमें उसके साथ चलना होगा। मैंने कहा ना रुक जाओ। मुझे यकीन नहीं होता सिक्योरिटी गार्ड पानी में गिर गया। मुझे यकीन नहीं होता उबेद अब भी सो रहा है। कोई उसे रोक लो, वो टीवी स्टूडियो में घुस रहा है। नहीं। तो क्या आप हमें अपने नए बिजनेस के बारे में बताएंगे? बिल्कुल, हम एक लाजवाब वाटर पार्क बनाने वाले हैं जो आज तक का सबसे बड़ा पार्क होने वाला है। तो पकड़ लिया। कहाँ गया वो? देखो ये भी ना, इसे नींद में भी खाना है। शर्त लगा लो वो अभी भी खाने के सपने देख रहा होगा। उसके सपने ने हमारी नींद उड़ा दी। माफ करना। सॉरी अंकल, सॉरी। समझ गया, उबेद को पाइनएप्पल पसंद है। अब समझा इसे घर कैसे ले जाना है। हेलो मंसूर। नानू ये पाइनएप्पल पकड़ो। चलो घर चले। यहाँ क्या हो रहा है? हमारा दोस्त नींद में चल रहा है और हम इसे जगा नहीं सकते। बस इसीलिए हम उसे उसके फेवरेट फ्रूट की खुशबू से घर ले जा रहे हैं। आहा, अब समझा। पहले क्यों नहीं बताया? कोशिश की थी। माफ करना, पर मछली की बदबू उसे भटका रही है। ओह माफ करना। चलो बच्चों, गुड लक। मेरी बैटरी बहुत लो हो चुकी है, समझे मंसूर? ठीक है नानो। दोस्तों प्लान में चेंज है, हम उबेद को मेरे घर ले जाएंगे, समझे? मैं सबको बताता हूँ। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग आंटी। जवाब सपना देखा, ओ पाइनएप्पल का। ओ, मैंने हेडफोन्स क्यों पहने हुए हैं? और मैं तुम्हारे घर में क्यों हूँ मंसूर? वो इसलिए क्योंकि तुम नींद में चल रहे थे, हम अभी तुम्हें वापस लाए हैं। ओ शर्म की बात है, पर सिर्फ तुम ही लोगों ने मुझे नींद में चलते हुए देखा दोस्तों। सिर्फ हमने ही नहीं उबेद। क्या मतलब? और किस किस ने देखा? सब ने। ओ नहीं।
निकाल रहा हूँ और तेज घुमाओ नानो। माफ करना, ऐसी काम नहीं कर रहा, मैकेनिक आता ही होगा। नानो नानो के सर्किट्स गर्म हो गए हैं, उसे रिचार्ज की जरूरत है। अरे मेरी तो आंखें भी गर्म है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे इतने पास मत आओ बैल, तुमसे बास आ रही है। इन्वेंशन रेडी हो गया है, गर्मी की छुट्टी कर देगा। क्या ये एक ब्लेंडर है? हाँ, हम यमी बर्फीली स्मूदीज बना सकते हैं। ये एक ब्लेंडर नहीं है दोस्तों, हालांकि ये वैसा ही दिखता है, पर ये एक काइरो एक्सेलेटर है। एक काइरो है क्या? जाने दो, बेहतर होगा तुम्हें दिखा दूँ, बस थोड़ी सी बर्फ चाहिए। मीठी ठंडी घास। ये काइरो एक्सेलेटर एक किस्म का मिनी फिशन रिएक्टर है, रिवर्स में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, ऊर्जा आम तौर से सूरज की तरह होती है। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्म है। पर हम ठंड की ऊर्जा को भी कैद कर सकते हैं। मुझे समझाने दो, अगर ये काम कर गया तो काइरो एक्सेलेटर इन आम आइस क्यूब्स को सुपर कूलेंट बना देगा। ये तो बहुत अच्छा है, बस इसे काम करना चाहिए। भरोसा रखो सालिम। बहुत बढ़िया। क्या बात है, पर गिरने लगी। अच्छा निशाना था। निशाना था तुम्हारा तो। माफ करना खुलो, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सोचा इस मौसम में ये बर्फ कहाँ से आ गई? ये काइरो एक्सेलेटर है। हाँ, तुमने सही पहचाना, और जितना सोचा था उससे भी बेहतर चलता है। ओह, इसमें बर्फ खत्म हो गई। ये तो पिघल गई। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, हमें एक ठंडी जगह चाहिए। क्यों ना इसे मॉल ले चले, हम भी वहीं जा रहे थे। तुम इसे भी साथ ले आओ, वहाँ पर ये सही रहेगा। नानो। तो ठीक है, चलो चले। अब तो जाकर बन ही जाएगी बात। उबेद, क्या मैं तुम्हारा स्लश एक मिनट ले सकता हूँ? मंसूर, ये क्या कर रहे हो? देखो। पर्पल कलर की बर्फ कितनी अच्छी है ना। बहुत अच्छे, लगता है तुम्हारा नया अजीब इन्वेंशन कमाल कर रहा है मंसूर। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है शमा। देखो तो वहाँ मंसूर और उसके बेवकूफ दोस्तों को। बहुत ज्यादा बेवकूफ, सही कहा ना? एक और नया बेकार इन्वेंशन बनाया है इसने। चलो दोस्तों, इन लोगों के साथ चलकर मस्ती करते हैं। मुझे भूख लगी है। तुम्हें हमेशा ही भूख लगती है। क्योंकि मैं इतना एक्टिव हूँ, अगर मुझे बड़े बड़े मसल्स चाहिए तो मुझे खाना खाते रहना होगा, जानते नहीं तुम? वहाँ जो दुकान है ना, वहाँ सबसे बेस्ट शवरमा मिलता है। मैं शवरमा के लिए ही तो जीता हूँ। चलो चले। तुमने सही कहा था खुलूत, मैंने इतना बढ़िया शवरमा आज तक नहीं खाया है। हेलो, क्या चल रहा है पढ़ाको? और पढ़ा क्यों? क्या कर रहे हो? हाय तारिक, क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला सताने के लिए? हम खाना खा रहे हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो बस यहाँ पर फ्रेंडली हो रहा था, पर मेरी तो यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं। ओह तारिक, मत जाओ, हमें बेइज्जती अच्छी लगती है। बड़ा दुख हुआ। आखिर तुम इन लल्लुओं के साथ क्यों रहती हो शमा? ये लल्लू नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं। और मेरे भी है। अच्छा छोड़ो,
मैं यहाँ खड़े होकर बातें तो करना चाहता हूँ, पर मुझे अपनी जिंदगी भी तो जीनी है। फिर मिलेंगे। मैं तारिक और उसके गुंडों से तंग आ चुका हूँ। तो छोड़ो छोड़ो, तारिक को जाने दो, देखो मैं बर्फ लाया हूँ। अच्छा है, हम और मजे कर सकते हैं। कायरो एक्सीलेटर यहाँ नहीं है। कहाँ गया? तारिक ले गया होगा। नानो, तारिक को जल्दी ढूंढो, उन्हें ढूंढना होगा। वो कायरो एक्सीलेटर के साथ काफी मुसीबत कर सकते हैं। सुनो मंसूर, मैं खलूत के साथ नीचे जाती हूँ। हम दोनों नीचे वाला पूरा फ्लोर छान लेंगे और तुम ऊपर वाला फ्लोर छान मारो। ठीक है, हम वापस फाउंटेन पर मिलेंगे। मिल गया, इसे चालू कर ही लिया। अब हमें बस इसके अंदर कुछ डालना है। शुक्रिया बच्चे। ये देखो। अरे ये पड़ाकुओं के खिलौने बड़े मजेदार हैं। ठीक है, जाने का वक्त हो गया है। ये टिन का डिब्बा उन्हें बता देगा हम कहाँ हैं। कहाँ हैं वो लोग? देखो, नैनो लौट आया। इसे क्या हो गया? इसमें कुछ पिंक सा कचरा फंसा है। ये तो कॉटन कैंडी है। मैंने तारिक को ढूंढ लिया। जानता था। नानो, किस तरफ है वो? मेरे पीछे आओ। चलो, मेरी मशीन वापस लेने का वक्त आ गया है। सही कहा। तारिक, मेरी मशीन वापस दो। खुदी आकर क्यों नहीं ले लेते तुम इसे मुझसे मंसूर? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। बहुत अच्छे नाना, उसे नीचे लाओ। क्या हुआ? लंबी कहानी है, पर इस मॉल के बर्बाद हो जाने से पहले इसे काबू करना होगा। देखो, तारिक बच के निकल रहा है। मेरे साथ आओ। मेरे पास एक आइडिया है। कायरो एक्सीलेटर को बस थोड़ा सा बदलना होगा। उबेद, जब मैं कहूँ गो तब नल चालू कर दो। चुपचाप चलते रहो। चालू करो। पकड़ लिया। अब इन्हें सबक मिल गया। कोई तो तरीका होगा इस बर्फ को पिघलाने का, इसकी पोलारिटी को रिवर्स करके। हम एक बड़ा सा हीटर यूज कर सकते हैं। शम्मा, तुम्हारे पास हीटर है? हाँ, वहाँ ऊपर है ना? बिल्कुल, सूरज। हमें बस यही करना है, सारे दरवाजे खोलने हैं और बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। इन बदमाशों को हम संभाल लेंगे। उम्मीद है अंदर तुम्हारा दिमाग ना जम जाए। इसका टेस्ट तो बिल्कुल यम्मी मीठे आम जैसा है, जिस पर गुंडे छिड़के हो। यम्मी। तुम कमाल हो बेन।
गुड मॉर्निंग मैडम, क्या लेना चाहेंगी आप? तो तुमने मुझे पहचान लिया? टीवी पर नहीं देखा? नहीं, नहीं देखा। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? ट्राउट दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी। कौन? तुमने मुझे टीवी पर नहीं देखा? मैंने सभी खतरनाक जानवरों को कैद किया है। बड़े मॉन्स्टर से कुश्ती लड़ने वाला। नहीं। एक मिनट रुको जरा, अभी तुम मुझे जरूर पहचानोगे। वीडियो कहाँ गया? ये काम कैसे करता है? ए खलील। जी मालिक। वीडियो चलाओ। क्या फिर से? सवाल नहीं समझे? सहारा के गर्म मैदानों से लेके पैसिफिक की ठंडी गहराइयों तक ड्रैग द ट्रैपर के मौत को बात देने वाले बहादुरी के कारनामे मानो कल्पना का हिस्सा हो। पीछे। रुक जाओ, आगे देखो। लेकिन फिर एक दिन सब खराब हो गया जब उनकी शर्मनाक हार हुई अपनी ही प्रजाति के आखिरी बचे गोल्डन ऑरिक्स को हराने में। मैंने तुम्हें ये वीडियो दिखाने के लिए कब कहा? बच्चे के सामने हंसी आ रही है, काश मेरे पास एक और मौका होता, बोलती बंद कर देता। मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, काश एक और मौका मिल जाए। देखो देखो, अरे वाह, मैंने इस रंग का ओरिक्स आज तक नहीं देखा। देखें ये कौन सी प्रजाति है। ये कौन सी प्रजाति है ओरिक्स की? जल्दी पता चल जाएगा। मंसूर, मंसूर तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अच्छा अच्छा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो फोटो वायरल हो जाएगी। क्या दोस्तों, अब पूरी दुनिया उस बेचारे गोल्डन ऑरिक्स को देखने आने वाली है। वो सच में एक्सटिंक्ट हो जाएगा और सारी गलती मेरी होगी। शम्मा रुक जाओ। और किसी ट्रैड नाम के आदमी ने कहा है कि वो आकर इस बेचारे जानवर के साथ कुश्ती लड़ने वाला है। हाँ? कौन? तुम सब मेरी मदद करो ताकि हम इसे पकड़कर किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सकें। चलो भी ऐसे बैठे मत रहो, कुछ तो कहो। हम इस गोल्डन ऑरिक्स को ढूंढे कैसे? आसान है, वो खाता पीता तो होगा ही ना। बहुत सही, पर हम इसे पकड़े कैसे? कुछ ही कुछ ही। यानी ये सच है, वो अब भी जिंदा है। गाड़ी स्टार्ट करो, हम खामोशी से आगे बढ़ेंगे। अरे उस रस्सी को छोड़ दो खलील, रस्सी को छोड़ो। कहाँ जा रहे हो? रुको। हाँ? अरे रस्सी को छोड़ दो।
वो देखो शायद फंस गया है। मुझे ये वहीं पे सुरक्षित लग रहा है। दोस्तों हमें उसे डराना नहीं है, गाड़ियाँ यहीं छोड़ देते हैं। क्या क्या बात है, क्या तुम सबसे इतनी सी चढ़ाई नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगा, हम तो बस तुम लड़कियों का सोच रहे थे। पानी चाहिए, पानी। ओ गर्मी, पानी पानी, शवरमा। मेरे पास थोड़ा जूस है। ग्रेप जूस? हाँ, एप्पल चलेगा। हाँ? बताओ प्यास मिट गई? हाँ, अब सही है, मिट गई। चलो फिर चलें। तुम चलो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। तैयार? मुझे ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है। अरे बैग में है। और टेप्स कहाँ हैं? बैग के पॉकेट में। और बैटरियाँ? वो भी वहीं पर होंगी। अच्छा, चार्ज्ड हैं? एक बात बताओ, क्या मैं हमला करूँ या ना करूँ? यहाँ लाइट अच्छी नहीं है। एक्शन बोलो। अच्छा ठीक है, एक्शन। रुको, तुम क्या कर रहे हो? देखकर क्या लगता है तुम्हें? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। अब मैं जाकर इससे कुश्ती लड़ने वाला हूँ। क्या पजामा में? ये पजामा नहीं है। देखने में तो वही लग रहा है। ये लेटेस्ट ट्रैक पैंट्स हैं। जाकर चेक कर लो ऑनलाइन। पजामा है, पजामा है, पक्का पजामा ही है। हाँ, पजामा पजामा। हाँ, मुझे भी ये पजामे ही लग रहे हैं। अरे चाहिए जो भी हो, अब तुम अपना कैमरा चालू रखो। मैं इस आखिरी गोल्डन ऑरिक्स से एक हाथ से मुकाबला करना चाहता हूँ, ताकि मुझे ये दुनिया देख सके। पहले से काफी छोटा लग रहा है। जानते हो, मुझे सच में नहीं लगता ये दुनिया का आखिरी गोल्डन ऑरिक्स है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी मम्मी बिल्कुल खुश नहीं है और तुम्हें गुस्से से देख रही है। हाँ? इसे ही ढूंढ रहा था। मालिक चिंता ना करे, टेंशन नहीं, मैंने सब रिकॉर्ड किया है जैसा आपने कहा था। क्या सच में? दिखाओ मुझे, फिर से बेइज्जती कराओगे? मैं उस जानवर को ढूंढकर अपना बदला जरूर लूंगा, अब चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। असल में अगर तुमने उस गोल्डन ऑरिक्स को टीवी पर दिखा दिया तो तुम फिर से एक पूरी प्रजाति को खतरे में डाल दोगे। सुनो, उस जानवर से कुश्ती करने के बजाय उसकी मदद करोगे तो अच्छा रहेगा। बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल है इस बारे में वर्ल्ड नेचर वॉच की वेबसाइट पर। मैं तुम्हें उसका लिंक मेल कर दूंगी, ठीक है? मुझे यकीन है वो पढ़कर तुम अपना मन बदल लोगे। तो बताओ मुझे तुम्हारा ईमेल आईडी। हमें बताइए ट्रैड, इतने दिनों तक रेगिस्तान में तफ्तीश करने के बाद आपको क्या मिला? देखिए, मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूँ कि गोल्डन ऑरिक्स एक्सटिंक्ट है और फोटोज नकली हैं। सोशल मीडिया उसके बारे में कहानी फैला रही है और वो भी नकली। शुक्र है, उफ, शुक्र है। शम्मा, तुमने तो उसे बिल्कुल लाजवाब आर्टिकल भेजा है। हाँ, आर्टिकल लाजवाब था, पर शायद उसे मैंने जो दूसरा वीडियो भेजा है ये सब उसी का असर है। दूसरा वीडियो? जो मैंने अपने फोन पर रिकॉर्ड किया था।
पता नहीं क्यों मैं इतना घबरा रहा हूँ। मैं भी, तुम बताओ सालम। बहुत एक्साइटेड, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा है। मेरे लकी पत्थर ने सारी घबराहट और बुरी एनर्जी सोख ली है और मुझे बेहतर एक्टर बना दिया है। अरे बाप रे, देखो तो कितने सारे लोग आए हैं प्ले देखने के लिए। मैं सच में घबरा रहा हूँ दोस्तों, मुझसे रुका नहीं जा रहा। तुम्हें सच में डर नहीं लग रहा क्या? थोड़ा सा भी नहीं? नहीं, लकी स्टोन के होते हुए मुझे किस चीज का डर? बहुत से एक्टर्स कोई ना कोई लकी चीज रखते ही हैं, तुम्हें भी रखना चाहिए। कहाँ गया? कहाँ गया? हेलो मेरे बच्चों, तुम सब कमाल के लग रहे हो, शो के लिए रेडी हो? नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं सारे डायलॉग भूल गया हूँ। घबराओ मत सालम, एक बार शो शुरू हो जाएगा तो सारे डायलॉग याद आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, याद नहीं आएगा, मुझे स्टोन चाहिए। तो फिर साथ में ढूंढते हैं, आज प्ले में मजा आएगा। देखें इसके बिना ये क्या करता है। कहाँ गया, कहाँ गया? मेरा लकी स्टोन कहीं दिख क्यों नहीं रहा? कहाँ कहाँ कहाँ? हाँ सालम, सुन सुन ना। पस, पस, ओए, सालम, सालम, आ कुछ दिखाऊं। ये देख। चलो बच्चों, 2 मिनट हैं आपके पास, जल्दी। हम परफॉर्म करते वक्त तो नहीं ढूंढ पाएंगे, हमें किसी और की मदद चाहिए। पर किसकी? शम्मा प्ले देखने वाली है, चलो चलकर उससे मदद मांगते हैं। मेरे पास मेरा फोन भी नहीं है और मैं ऐसे तो बाहर नहीं जा सकता। जानता हूँ, उबेद मेरे साथ चलो जल्दी। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो शम्मा, कैसी हो? हाँ मंसूर, तुम यहाँ हो? तुम्हारे साथ कौन है? उबेद। हेलो उबेद। हेलो शम्मा। सालन ने लकी स्टोन खो दिया है और वो उसके बिना स्टेज पर नहीं जा सकता, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? क्या लकी स्टोन? इसका क्या मतलब? उसके पास रहता है वही स्टोन? ठीक है, मैं देखती हूँ कि मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया। शुक्रिया शम्मा। मैं एक शैतानी जादूगर हूँ और मैं आया हूँ अलादीन को ढूंढने। उसे बेवकूफ बनाकर उससे शक्तिशाली चिराग चुरा लूंगा और फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। हो देखो आ गया। तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी बारी है। मैंने कहा वो देखो आ गया, आ गया। तुमसे मिलकर खुशी हुई अलादीन, मैं तुम्हारे दूर का चाचा हूँ। मैं जानता हूँ तुम यकीन नहीं करोगे पर यही सच है। मैं नहीं जानता था मेरे चाचा है। तुम्हारे पापा ने मेरे बारे में नहीं बताया? नहीं, एक बार भी नहीं। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कमाल की चीज दिखाता हूँ, तुम्हें यकीन नहीं होगा। मुझे बहुत मजा आ रहा है इस प्ले में, ये बहुत ही लाजवाब प्ले है। अरे पहले शुरू तो होने दो। मुझे मेरी लाइन याद ही नहीं है। घबराओ मत, मैंने इस पर तुम्हारी सारी लाइनें लिख दी है, मैं इसे तुम्हारे आगे ही रखूंगा, तुम उसमें से पढ़ते रहना। क्या करूं? समझ नहीं आ रहा मैं सालम का स्टोन कहां ढूंढूं। आइडिया, ये बढ़िया आइडिया है शमा। तो मेरे भतीजे, बताओ मुझे तुम्हें इस शहर के नजारे कैसे लगे? पर तुमने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है, चलो इससे भी बेहतर नजारे देखते हैं। क्या दिखाना चाहते हो अंकल? मैं दिखाता हूँ पर पहले चलो आग जला ले। अब मैं तुम्हें सबसे बड़ा खजाना दिखाऊंगा जिससे तुम सबसे रईस सुल्तान बन जाओगे।
पकड़ो मेरी मशाल को। अब नीचे जाकर मेरे लिए चिराग ले आओ। हाँ? बहुत शुक्रिया शम्मा, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने शो बचा लिया। शाबाश बच्चों। वैसे प्ले की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी थी, पर ऑडियंस को ये भी पसंद आया। सालिम, 2 मिनट बात कर सकते हैं? बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बस थोड़ा शांत हो जाओ और सब ठीक हो जाएगा। घबराओ मत सालिम, देखो तुम्हारे सारे डायलॉग्स मैंने अपने आप पर चिपका लिए हैं, जब मैं स्टेज पर जाऊंगा वहीं पढ़ लेना। ठीक है, सब अपनी जगह पर जाओ, एक्ट शुरू होने वाला है। जितना खजाना लेना है ले लो, बस मुझे वो चिराग मिलना चाहिए। मैं हूँ इस चिराग का जीनी। हुकुम है मेरे आका। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ इस शौर्मा से। आपका कहने का मतलब ये है कि आप इस गुफा से निकलकर घर जाकर शौर्मा खाएंगे? अगर आप यही चाहते हैं तो आपका हुक्म सराकों पर। ये लीजिए, घर आ गए। अब आप मुझे बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए मेरे आका? मैं चाहता हूँ तुम मेरा घर भर दो कूड़े से। आप कहना चाहते हैं कि मैं आपका घर भर दूं और ये सारा कूड़ा गायब कर दूं खजाने से? अब मैं तुम्हें खजाना देता हूँ अलादीन, ये लो बेशकीमती पत्थर, ले लो, उम्मीद है ये तुम्हारे काम आएगा, इसे तुम रख लो। शुक्रिया शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया इस खजाने के लिए जीनी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक सफेद सा घोड़ा ला दो, क्योंकि मैं सुल्तान के महल जाकर उनकी बेटी प्रिंसेस जैस्मीन का हाथ मांगने वाला हूँ। जब वो नीचे आए इसे खींच कर उन्हें वापस वहाँ पहुँचा देना। चलो करो। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। हमारी कहानी खत्म, और अब हम शुक्रिया कहना चाहेंगे आप सबको यहाँ आने के लिए। उम्मीद है कि हम फिर जल्द मिलेंगे। शाबाश बच्चों, ये सच में बढ़िया परफॉर्मेंस थी। टेस्टी है। तुमने क्या कर दिया? दरअसल ये एक मीठा बादाम है। शुरू में मैं समझ नहीं पाई कि तुम्हारा स्टोन कहाँ ढूंढूं। मैंने कोशिश की पर फिर मुझे याद आया कि मेरे बैग में कुछ मीठे बादाम रखे हुए हैं। शायद मुझे उस पत्थर की कभी जरूरत थी नहीं, हो सकता है वो लकी था ही नहीं। तुमने सही कहा, तुम्हें एक अच्छा एक्टर बनने के लिए पत्थर की जरूरत नहीं, बस हुनर और मेहनत चाहिए। शम्मा, तुम्हारे बैग में अभी मीठे बादाम है? नहीं सॉरी उबेद, वो तो खत्म हो गए। ओह, एक और मीठा बादाम। और मेरे लकी पत्थर। मुझे नहीं लगता इस पत्थर का लक्ष्य को लेना देना है। तुमने सही कहा। मासू!
क्या कहते हो, कल के कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल, हम सबसे बड़ा रेत का महल बनाएंगे तुर्की। हमारे हथियारों की मदद से हम ही फर्स्ट प्राइज जीत जाएंगे। तो क्या तुमने कोई खास रेत बनाई है? नहीं। तो क्या तुमने एक रोबोटिक बकेट और स्पेड अटैचमेंट बनाई है नैनो के लिए? नहीं, हमारा खुफिया हथियार होगा साइंस और इंजीनियरिंग। हाँ? नानो से बात करके मैं हवा की रफ्तार, ह्यूमिडिटी और रेत का टेक्सचर समझ लूंगा, और फिर हम महल की हाइट और बाकी डायमेंशंस कैलकुलेट कर लेंगे ताकि महल टिका रहे। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, मैं भी यही कहने वाला था मंसूर। हाँ, मंसूर को लगता है कि वो जीत जाएंगे साइंस और इंजीनियरिंग की मदद लेकर, या जो भी इन लोगों ने कहा। पर इस साल तो कुछ भी हो मैं ही जीतूंगा। तुम भी वो साइंस और वो दूसरा वाला क्या था, उन 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 चीजों की मदद लोगे? नहीं मेरे यार, मैं चीटिंग करूंगा। सबसे बड़ा महल बनाएंगे। और हम जीत जाएंगे क्योंकि हमारी टीम सबसे स्मार्ट और अच्छी है। तेरी की। जब तक तुम हमारे महल को हाथ ना लगाओ हम जीत जाएंगे। अगर हम चुपचाप इस रेत में आटा और पानी मिला दें, हम एक बेहतर, बड़ा और मजबूत रेत का महल बनाकर जीत जाएंगे। तुम्हें क्या हुआ? वाह 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 वाह, रेत में कुछ है, देखो कुछ तो जरूर है। क्या है? तुम क्या ये छोटे से केकड़े से डर रहे हो? हटा इसे, मुझे इससे नफरत है। ये तो बस एक छोटा सा केकड़ा है। हाँ तो मैंने कब मना किया, इन्हें पका दे तो ही अच्छे हैं, नींबू में डूबे हुए बहुत टेस्टी। देखना आज तुम ही जीतोगे बच्चों। इस साल के रेत के महल कॉम्पिटिशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ जीतेगी वही टीम जो कि सबसे मजबूत, सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा क्रिएटिव रेत का महल बनाएगी। सभी टीम्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बच्चों आपके पास 3 घंटे का समय है जो कि शुरू होता है अब। मैं तुम्हारी चाल जानता हूं। अरे हाँ, आइडिया। माफ करना बेटा। प्यास लगी होगी? शुक्रिया दादाजी। शुक्रिया। तो बच्चों कैसी चल रही है तैयारी? बहुत बढ़िया दादाजी। हाँ, हमारा वाला उस वाले से भी अच्छा दिख रहा है। वो लड़का बहुत ही अजीब है। छोड़ो भी, अपने काम पर ध्यान दो। मेहनत करने वाले की जीत हमेशा होती है। तुमने ये सैंड क्यूब्स क्यों पहन रखे हैं? बहुत अजीब लग रहे हो। चुप करो, तुम आटे को मिलाने पर ध्यान दो, पानी से,
ताकि हमारी रेत मजबूत हो। तब तक मैं इसे देखता हूँ। क्या? अपना सर संभालो। ये नहीं सुधरेगा। दोस्तों देखो, ये क्या, ये कैसे बनाया उन्होंने? अगर मैं तुम्हारी जगह होती मंसूर, तो मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं करती। यकीन मानो, हमारा महल बहुत अच्छा है। तुम कैसे हो लूजर्स? तो ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दो बाकी का खत्म करने में, और कहीं जाने से पहले एक और गोली दो। हम टाइम पर खत्म कर पाएंगे क्या नानो? हम खत्म कर पाएंगे, अगर मौसम ऐसा ही रहा तो हो जाएगा। सच में लगता है हम जीत सकते हैं नानो? कह नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हारा कहना है तारिक जीतेगा नानो? जज की चॉइस और पसंद पर डिपेंड करता है। जज का डिसीजन गलत हुआ तो फिर तारिक ही जीतेगा। पता नहीं उनको पता है कि नहीं तारिक चीटिंग कर रहा है। हाँ, सच में? उसके रेत के महल में रेत की मात्रा बहुत ही कम है, कुछ तो गड़बड़ है। और क्या पता लग रहा है नानो? बड़ी मात्रा में आटा, कार्डबोर्ड, ग्लू है। हालांकि उसकी कारीगरी अच्छी है, कुछ तो गड़बड़ है। और उसके साथ ही बाकी के पार्टिसिपेंट्स को परेशान कर रहे हैं। उधर देखो। माफ करना। मेरे दोस्तों, पर मंसूर का महल ज्यादा अच्छा है, कहीं वो जीत ना जाए। क्यों ना हम उसका हुलिया बदल दें? नहीं। बच्चों संभल के। समय खत्म। तो साफ है कि इस साल सिर्फ दो ही कंटेस्टेंट्स दिए गए वक्त में अपना रेत का महल पूरी तरह से बना पाए हैं। अब हमारे जजेस विजेता घोषित करेंगे। लगता है इस साल मैं ही जीतूंगा। तुम इस रेत के महल के बारे में कुछ बताओगे? हमने इंजीनियरिंग और साइंस की मदद से इस रेत के महल को मजबूत बनाया, पर एक और चीज है जो इससे भी ज्यादा मजबूत है। और वो क्या चीज है बेटा? मेरे साथियों की मेहनत और एकता। और हमारे विनर है टीम नंबर 7। इकलौता रेत का महल जो भी खड़ा है, क्या बात है। मंसूर, ओबेद, सलेम, शम्मा, तुर्की और नारो, आप सभी को मिलती है मुबारक हो। बहुत बढ़िया बच्चों, तुमने कमाल कर दिया, शाबाश। जा यहाँ से, मदद करो मेरी।
बच्चों तुम सब कहाँ जा रहे हो? लाइब्रेरी दादाजी, एंशिएंट सिविलाइजेशन पर एक प्रोजेक्ट करना है, पर हमें इसे ओल्ड फैशन तरीके से करना होगा, यानी कि किताबों से, बिना इंटरनेट के। अच्छा, इसके लिए गुड लक। बच्चों लाइब्रेरियन से बच के रहना। वो स्ट्रिक्ट है। बाद में मिलेंगे दादाजी। क्या हुआ? हेलो मैम, हमें एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी रिसर्च करनी थी। तुम्हें लाइब्रेरी के रूल्स पता है? नहीं। यहाँ हमेशा खामोश रहते हैं, किताबों की इज्जत करते हैं और पन्ने धीरे धीरे बिना आवाज के पलटे जाते हैं। फोन से अलाउड नहीं, खाना नहीं, खेलना नहीं, बातें नहीं और हंस भी नहीं सकते, समझे? हाँ, हाँ, हाँ। देखो, हमें यही किताब चाहिए थी। ओ? अपना फोन बंद करो। यहाँ फोन अलाउड नहीं है। हेलो। आपको समझ नहीं आया? इसी वक्त बाहर जाइए। मुझे अभी अभी लाइब्रेरी से निकाल दिया। मुझे जाकर एक और बुक लेनी है। हाँ, और मुझे भी। ये क्या है? उस आदमी की किताब। हमें देखनी चाहिए ना सालिम। ये तो कोई हथियार है, दुनिया खत्म करने वाला। चलो मंसूर को बताएं। वो मेरी किताब है। लाइब्रेरी में बातें नहीं। ओ लड़कों, वो किताब मुझे दो। ओ क्या हुआ दोस्तों? हमें यहाँ से निकलना होगा इसी वक्त। क्या? क्यों? इसकी वजह से? ये क्या है? वहीं रुको। लाइब्रेरी में भाग नहीं सकते। क्या चल रहा है? बताते हैं, पहले सुरक्षित जगह चलो। पर भरोसा रखो, बड़ी इमरजेंसी है। रुकिए, आप ये किताब यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते। नहीं रुको। रुकिए रुकिए, वो किताब चेकआउट नहीं हुई है। हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि वो दुनिया खत्म करना चाहते हैं। तुम क्या बोल रहे हो? ये उनके सुपर वेपन का प्लान है। मुझे वो वापस दे दो। मुझे वापस ले चलो। उन बच्चों को रोको। रुकिए,
वो किताब वापस दीजिए। वापस आओ यहाँ। किताब दो। किताब दो। मुझे प्लान्स लौटा दो। किताब दो। पकड़ लिया। अरे। अरे बाप रे, रास्ते से हटो। वो रहा। दोस्तों ये तो हद होती जा रही है। वो किताब बच्चों के पास है। मुझे किताब चाहिए। हट जाओ। हट जाओ। हेलो बच्चों, अब तो तुम पकड़ लिए गए हो। और मैंने तुम्हें पकड़ लिया। आखिरकार मिल ही गई किताब। ये नोट्स मुझे दिखाना। देखो ये दुनिया खत्म करने वाली एक मशीन है। इसीलिए तो हम भागे। हमें पुलिस को बताना ही होगा। एक सेकंड रुको। हाँ दोस्तों, ये दुनिया को खत्म करने का प्लान नहीं है। क्या? बताओ फिर ये क्या है? ये एक शानदार डिवाइस का प्लान है जो पूरी दुनिया को बहुत सारा सोलर पावर दे पाएगा। ओ, इसका मतलब ये दुनिया खत्म नहीं करना चाहते? नहीं उबेद, बल्कि ये सबकी मदद कर रहे हैं। और हम उनके प्लान्स लेकर भाग गए। ओ, अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हम बस एक ही काम कर सकते हैं। क्या? जितनी जल्दी हो सके लाइब्रेरी वापस चलो। हाँ? मुझे बुक मिल गई। तुम प्रोफेसर के नोट्स लाए हो? वो एक प्रोफेसर हैं? हाँ, हाँ लाए हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। ओह माफ कीजिएगा, क्या आप इन्हें सर को दे देंगी? तुम खुद ही दे दो, देखो वो यहीं पर तो है। आपके नोट्स ये रहे प्रोफेसर। ओह शुक्रिया। ओह पहले हमें लगा कि आप पूरी दुनिया खत्म करने वाले थे। और यही वजह थी जो हम उन्हें लेकर भाग गए। नहीं, इन प्लान्स की मदद से हम दुनिया में सभी को सोलर पावर दे पाएंगे। तो शुक्रिया जो तुम इन्हें वापस ले आए। इनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। जो कुछ हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिए सर। कोई बात नहीं, जरूरी ये है कि अब प्लान्स वापस आ चुके हैं और तुम्हारे पीछे भागते हुए मुझे बहुत मजा आया। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं ठीक हूँ मम्मी। मेरा बच्चा, ये मेरा प्यारा बेटा है। हम तो कभी पहचान ही नहीं पाते। मैंने सही कहा ना दोस्तों? Ugh!
अरे नहीं, ये क्या? तुमसे कहा था ना कि ये नो पार्किंग है। अब चलो। ओ बलून। चलो। अरे रुक जाओ। शुक्रिया। चोर। अरे उन चोरों को कोई रोक। देखो। बलून ले गया। माँ सुन रहे हो? कोई तो रोको। अरे मेरा बलून ले गया। चलो मदद करें। रुक जाओ, रुक जाओ। मदद करो, वो मेरा बलून ले गया। हम मदद करेंगे, वो बचकर नहीं जा पाएंगे। शुक्रिया बच्चों, जाओ जाकर उन चोरों को पकड़ो। ए, हमें सवारी नहीं चाहिए। तुम अभी यही हो? तुम ये सब करके बच नहीं पाओगे, समझे? ओ, अच्छा। कैसे रोक लोगे? कुछ ना कुछ सोच लूंगा। देखो, चोर गुब्बारे को स्टेडियम की तरफ ले जा रहे हैं। तो चलो जल्दी। और डिफेंडर्स को चीरते हुए सिर्फ गोली का सामना करना है। और ये हो गया गोल, 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 गोल। मंसूर, मंसूर, मंसूर। ओह। और स्कोर हुआ 1-0। छोड़ूंगा नहीं। जल्दी चलो। हम उन्हें रोकेंगे कैसे? हम इसे ऊपर फेंक कर बास्केट में फंसा सकते हैं। ये बहुत भारी है। नानो, क्या तुम ऊपर उड़कर इसे उस गुब्बारे में लगा दोगे? ठीक है, कोशिश करूंगा। ना जाने कब तक उसकी बैटरी साथ देंगी। बहुत अच्छे नानो, तुमने कर दिखाया। ये क्या? मैंने कहा था ना कि मैं कुछ सोच लूंगा। तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। अब स्कोर है 2-0। एक आइडिया है, मैं उस गुब्बारे को अपने पेन से फोड़ दूंगा। पर तुम वहाँ ऊपर तक कैसे जाओगे? एक बड़ी सी गुलेल से। एक बड़ी सी गुलेल? अच्छा आइडिया है ओबेन। सच में? मेरा आइडिया बेकार था, मेरा आइडिया बेकार था। नहीं नहीं, तैयार हो ओबेन? नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ।
पर मैं प्लेन से टकराने वाला था। क्या? एक सेकंड रुको उबेद, और याद रखना इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। बुरा हो सकता है, बहुत ज्यादा बुरा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, मंसूर, शायद मैं अंतरिक्ष में जा रहा हूँ। अगर इस बलून को छोड़कर हम हेलीकॉप्टर ले लें तो? अच्छा आइडिया है मंसूर, तुम्हें हेलीकॉप्टर वाली बिल्डिंग की छत पर जाना होगा, समझे? ये चोर वहीं से हेलीकॉप्टर चुरा कर भागने वाले हैं। ठीक है उबेद, हम वहीं पहुंच रहे हैं। प्रॉपर्टी के बिजनेस में तो ओ नहीं, फिर से नहीं। बताओ अब तुम भागकर कहाँ जाओगे? दरअसल हम ऊपर जा रहे हैं, साथ में तुम भी चलोगे। फुल पावर। ये वहाँ कैसे पहुँचा? उबेद, कूद जाओ। देखो वो रहा हेलीकॉप्टर। कुछ तो करना ही होगा। तुम इसे उड़ाने की तो नहीं सोच रहे हो ना? बताओ मंसूर। नहीं, मैं बस इसे थोड़ी सी हवा दिलवाऊंगा। ओह, कितना अच्छा लड़का है, इंजन शुरू कर दिया। नहीं, लैंड करना होगा। इसे जरा और पावर दो मंसूर। फ्यूल खत्म। चलो एक्सप्रेस लिफ्ट से नीचे चले, जल्दी चलो। चलो यहाँ से भाग निकले। वही, रुक जाओ चोर। भागते कहाँ हो? शाबाश उबेद, तुमने चोरों को भागने से रोका। तुम भी गोल गोल घूम रहे थे। क्या किसी ने मेरा ब्लैक और सिल्वर पेन देखा है? हाँ? जो मेरे पिता ने मुझे दिया था। वो तो आपके ड्रॉअर में रहता है ना? हाँ, पर अब वहाँ नहीं है।
दोस्तों हाल ही में काफी चीजें गायब हो रही है। पापा का पेन, मेरा सुपर कॉम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर का सेट, सारा का ब्रेसलेट। सच में कमाल है, लगता है तुम्हारे घर में चोर है। सालिम तुम ऐसी बातें मत करो। मैंने ऐसा क्या कह दिया? जरूर आसपास कोई चोर है। हमारे यहाँ कोई चोर नहीं है। क्या किसी ने मेरा नेकलेस देखा है? नहीं मम्मी। अच्छा, अगर दिखे तो मुझे दे देना। अब भी तुम्हें लगता है कोई चोर नहीं है? मेरे ख्याल से हमें जानना होगा क्या हो रहा है। मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, तो अगर हमें उस चोर को पकड़ना है, फिर हमें उसके लिए एक जाल बिछाना होगा दोस्तों। तो चलो। ठंडी, ठंडी। अच्छा मैं इसे बंद कर देती हूँ। इसे बंद कर दिया है, अब तुम्हें अच्छा लगेगा। ठंडी, ठंडी। शायद तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या तुम बीमार हो? ठंडी। क्या मेरी घड़ी देखी? ये क्या है मंसूर? एक काम करो, तुम ये पहन लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है। ठंडी, ठंडी। मम्मी, मम्मी। क्या हुआ बेटा? देखिए बीबी को कुछ हो गया है, वो बार बार ठंडी कह रही है। तुम घबराओ मत, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। वो चोर इस चम्मच को चुराने आएगा और घंटी बज जाएगी और फिर उसे पकड़ लेंगे। अब हमें इंतजार करना होगा। लगता है वो चोर आ गया। दादाजी डरा ही दिया। माफ करना बच्चों, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे हो? हम तो बस यहाँ आराम कर रहे थे। नहीं हम तो सच में काफी मेहनत की है हमने दादाजी। अच्छा बच्चों, क्या तुमने मेरी गाड़ी की चाबियाँ देखी हैं? दरअसल वो मुझे नहीं मिल रही। आपने गाड़ी में तो नहीं छोड़ दिया पिछली बार की तरह? मैंने सबसे पहले वहीं जाकर देखा था, लेकिन मुझे लगता है गाड़ी की चाबियाँ यहीं कहीं पड़ी होंगी। तुम मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? हम किसी को नहीं बता सकते हम क्या कर रहे हैं, ये एक खुफिया जाँच है। दादाजी चोरी नहीं करेंगे। पर शक के दायरे से कोई नहीं बचेगा। हाँ पर उस चोर के पास उनकी चाबियाँ भी तो हैं। ऐसा सिर्फ वो कह रहे हैं। सालन तुम हद कर रहे हो। देख लेंगे। मम्मी बस 10 मिनट और सोऊंगा। ओके। चोर आ गया है। हमारा कॉफी सेट। क्या हुआ बच्चों? ओह मॉम घंटी बची है। टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ। हेलो बेटा, आपने डॉक्टर बुलाया था, मैं जल्द से जल्द आ गया। उम्मीद है कि मुझे देर नहीं हुई। मैं नहीं चाहता आपके पैरेट को कुछ हो जाए। बिल्कुल, प्लीज अंदर आइए। शुक्रिया। सॉरी, गलत चश्मे पहने थे। मुझे बीबी की चिंता हो रही है, पूरा दिन वो बस ठंडी, ठंडी, बस यही कह रही है। पूरा दिन यही कह रही थी? मुझे इसे चेक करना पड़ेगा। ठंडी, ठंडी। माफ कीजिए, बीबी उस तरफ है। ओ, बिल्कुल सही कहा, वो वही तो है। सॉरी, मैंने गलत चश्मे पहन लिए। सॉरी। हाँ तो बताइए पेशेंट कहाँ है? ठंडी, ठंडी। तो यहाँ हो।
एक आइडिया है, क्यों ना हम चारा डालकर उसके आजू बाजू इनविजिबल पेंट कर दे, और जब वो चोर चोरी करने अंदर आएगा तो उसके पैरों पर पेंट लग जाएगा। पर पेंट तो इनविजिबल होगा। वही तो, उसे दिखाई ही नहीं देगा। हमें भी नहीं दिखेगा। नानो के डिटेक्टर लाइट यूवी रेस को पकड़ लेती है, हम आराम से देख लेंगे। ये हुई ना बात। एक बात का ख्याल रखना, ये पेंट इनविजिबल है इसलिए हमें पता नहीं होगा ये कहाँ लगा है। क्या तुम लोगों ने मेरी फेवरेट कफलिंग्स देखी है कहीं पे? नहीं देखी। पर तुम तीनों कर क्या रहे हो? हम इनविजिबल पेंट से चोर को पकड़ रहे हैं। क्या तुम तीनों अभी भी इस तरह की कहानियां खेल रहे हो? याद है ना दोस्तों, हम एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड का सामना कर रहे हैं। दोस्त के भेस में चोर, जिसने अपने घिनौनेपन पर पर्दा डालकर इस मासूम परिवार पर निशाना लगाया है। इस घर में रहने वाला कोई भी शख्स हो सकता है। मेरे परिवार में कोई भी चोर नहीं है। कोई भी शक के दायरे के बाहर नहीं है, तुम्हें ये पता है ना? वो यहाँ नहीं है। नानो, डिटेक्टर लाइट चालू कर दो। ठीक है मंसूर। चोर के पैरों के निशान, अब वो नहीं बचेगा। नानो, पैरों के निशानों का पीछा करो। चलो जल्दी। चलो दोस्तों, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो। मैं थक गया हूँ। चलो जल्दी चलो। इस तरफ जल्दी चलो, उस तरफ चलो। देखो नानो को कुछ मिल गया है। चलो भी, चलो चलो जल्दी चलो। वो यही होगा, रुको। हाँ सालिम, लगता है जहाँ तुम बैठे थे वो चोर भी बैठा था। नहीं, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। पर शक के दायरे से कोई नहीं बच सकता सालिम। मैंने कहा मैं चोर नहीं हूँ। नानो, लाइट सालिम की तरफ घुमाओ। पर मैं चोर नहीं हूँ। जानता हूँ, तुम शायद पेंट में खड़े हो गए थे। मैंने चेक कर लिया है और खबर अच्छी नहीं है। गर्मी, गर्मी, ठंडी, ठंडी। ओ नहीं नहीं नहीं, मैंने जितना सोचा था उससे भी बुरी हालत है। बीबी को थोड़े दिन क्वारंटीन में ही रहना होगा। उसे फैलने वाला पागल पैरेट सिंड्रोम हुआ है, और तो और जान का खतरा है। मुझे इसी वक्त अपने क्लिनिक लौटकर रिसर्च शुरू करनी होगी, ताकि ये पैरेट की महामारी कहीं पूरे शहर में ना फैल जाए। फिर से गलत चश्मे पहन लिए। मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी चीजों को छुपानी शुरू करता। मुझे नहीं लगता हम इस चोर को पकड़ पाएंगे, वो कुछ ज्यादा ही शातिर है। गर्मी, ठंडी, गर्मी, ठंडी। हाँ, हाँ। समझ गया चोर कौन है। दोस्तों जल्दी चलो। चलो चलो चलो। तुमने यहाँ क्यों बुलाया है? गर्मी। मैंने आप सबको चोर के बारे में बताने के लिए बुलाया है। कैसा चोर? इस घर में एक चोर है। इस घर में कोई चोर नहीं है सालिम। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या आपने नोटिस नहीं किया कि आपकी चीजें गायब हैं? वो तो है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारे घर में चोर है। मैं अब भी बताता हूँ। गर्मी, ठंडी, गर्मी, ठंडी, गर्मी, ठंडी। कुछ समझ में नहीं आ रहा मंसूर, कौन है ये चोर? मुझे तो सालिम ही लग रहा है। अरे मैं चोर नहीं हूँ। गर्मी, 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 गर्मी। मिल गया। ओह, मेरी कफलिंग्स मिल गई। मेरी गाड़ी की चाबियां। मेरा पेन। बीबी ने ये सारी चीजें ली थी और उन्हें छुपा दी, क्योंकि वो हमारे साथ ठंडी गर्मी का गेम खेल रही थी। ठंडी गर्मी, ठंडी गर्मी। तो फिर बीबी बीमार नहीं है? नहीं। कोई चोर नहीं है? नहीं। गर्मी, गर्मी, गर्मी। सारा,
कुछ ज्यादा ही गर्मी है, जरा एसी तो चला देना। कौन सी आइसक्रीम ली है? चॉकलेट और कैरमल, वनीला और कुकीज, मिंट चॉकलेट चिप, हैमस्टर। तुमने हैमस्टर फ्लेवर की आइसक्रीम ली है? नहीं, देखो वहाँ हैमस्टर है। हाँ? ये यहाँ क्या कर रहा है? मेरा फ्लफी कहाँ चला गया? चलो चलकर फ्लफी को पकड़ने में मदद करते हैं। चलो दोस्तों, चलो चलो, हाँ चलो, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। मैं पकड़ता हूँ इसे। अबेद, चलो चलकर उसे लेकर आए। ओफ, आज तो बाल बाल बचे। तुम ठीक हो? ये ठीक है क्या? मैं इसे ऊपर फेंकूं? नहीं नहीं नहीं, तुम उसे ऊपर लेकर आओ। अबेद, इसे मुझे दो, मैं संभालूंगा। नहीं नहीं, इसे मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा, ठीक है? ओ नहीं! अब देखो ये तुमने क्या कर दिया उबैद? ये तुम्हारी गलती है। झगड़ना बंद करो और उसे ले आओ। फ्लफी, आ जा फ्लफी। ओ, 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 मेरा हाथ पहुंच नहीं रहा। सालिम, तुम मेरी टांग पकड़ो, मैं नीचे जाता हूँ। पकड़ लिया, अब तुम मुझे ऊपर खींच लो। मेरा फ्लफी। तुम घबराओ मत, फ्लफी हमारे पास है। तुम दोनों जल्दी ऊपर आओ। पहले तुम ऊपर चढ़ो, फिर फ्लफी को पकड़ लेना। मैं हिल नहीं सकता। ठीक है, मैं इससे नीचे रख कर तुम्हें उठाता हूँ। सालिम, घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। शमाइन पर नजर रखना और मेरे फोन के लिए रेडी रहना। ठीक है, चलो तुर्की।
सालिम, तुम इसे डरा रहे हो। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। चलो इन्हें पहन ले, इनसे हम पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। हमें जल्दी करना होगा। शम्मा, क्या तुम्हें वो दिख रहे हैं? वो अभी नीचे हैं। वो हमसे तकरीबन 20 फ्लोर नीचे हैं। ठीक है, मुझे सब कुछ बताती रहना। ठीक है, बताओ इसे कहाँ लगाएंगे हम? नहीं, मुझे नहीं पता। इसे रोको, इसे रोको, इसे रोको। तुम क्या कर रहे हो? तुम ही ने तो कहा इसे रोकने को, तो मैंने रोक दिया। पर मैंने यहाँ रुकने को नहीं कहा था। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या होगा अगर मैं ये करूँ। देखो, हम ऊपर क्यों जा रहे हैं? रुको, मैं हमें इस मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम ना तो ऊपर जाना चाहते हो और ना ही नीचे जाना चाहते हो। मैं करूँ तो करूँ क्या, बताओ? पता नहीं, मुझे कुछ सोचने दो। तुम चिल्लाना बंद करो, तुम इसे डराए जा रहे हो। हाँ? मंसूर, वो बिल्डिंग के बीचों बीच रुक गए हैं और उबेद खिड़कियां साफ कर रहा है। क्या वो क्या कर रहे हैं? भूल जाओ। शुक्रिया शम्मा, मेरे ख्याल से हम सही फ्लोर पर हैं। उबेद, तुम क्या कर रहे हो? देखो, हम अकेले नहीं हैं। खुश खुश, तुम हट जाओ यहाँ से। जैसा कि आप इन ग्राफ्स में देख सकते हैं, इस बिजनेस में वेरिएशन है और आगे बढ़ने के 3 की एरियाज हैं। कम इन। हमें माफ करना, हमें बस हमारे दोस्तों की मदद करनी है और एक हैमस्टर की भी। नानो, सीगल को भगा दो। ठीक है मंसूर। तुम लोग ठीक हो? हाँ ठीक है। उस पागल सीगल को भगाने के लिए शुक्रिया। हम वापस ऊपर जाएंगे और उस छोटी बच्ची को उसका हैमस्टर दे देंगे। ठीक है, हम यही इंतजार करेंगे। चलो मंसूर, लगता है हम फंस गए हैं। उबेद, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उबेद, मुझे प्रॉब्लम पता चल गई है। उसकी गियर में एक कपड़ा फंस गया है। तो अब हम क्या करेंगे? अपने हाथ को रेलिंग के बाहर निकालकर कपड़ा खींचो। ठीक है उबेद, अब तुम्हें तुम्हारा हाथ थोड़ा और बाहर करना होगा। थोड़ा सा बाहर। हाँ वही, हाँ हाँ, उसे पकड़ लो। ये तो निकल नहीं रहा। खींचो, हिम्मत मत हारना, खींचते रहो। चलो चलो। बहुत अच्छे। शुक्रिया, अब हम ऊपर आ रहे हैं। दखल देने के लिए माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, गुड लक। शुक्रिया शुक्रिया। मेरा फ्लफी कहाँ है? हम्म,
अच्छी बात नहीं है उबेद। फ्लफी कहाँ है? ओह ये लो। थैंक यू। बाय बाय फ्लफी। एक दिन के लिए काफी एडवेंचर हो गया। चलो चलकर अपनी आइसक्रीम खाते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें खाने की पड़ी है। Ha 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 ha